नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप सभी का गौरव सिंह मेस पर स्वागत है। देखिए, हम सीख रहे थे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करें, वर्ग कैसे करें किसी भी नंबर का। तो पहले तो हमने कल वाली क्लास में बात की थी कि यदि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे करें, और आज हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर हो तो उसका स्क्वायर कैसे करें। और यदि आपने वह क्लास अच्छे से देखी होगी तो उससे शानदार तरीका कोई भी हो नहीं सकता। देखो, एक बार के लिए मैं रिवीजन करा देता हूँ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। मैंने कहा मेरे पास नंबर है 62, मेरे पास 62 नंबर है और इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है यह। इसमें क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर करना है अंतिम वाले अंक का। पहले इसका अगर 2 डिजिट हैं तो इसका स्क्वायर करना है, 4 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। 6 दुनी 12 दुनी 24, और 24 का फिर 4 हो गया। अब इसको छोड़ देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। 24 का 4 हासिल 2, इसका स्क्वायर कर देना है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 36 और 2 38, 38 44। देखो, मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ। मैंने कहा यदि मुझे 72 का स्क्वायर करना है, 73 का स्क्वायर करना है, ठीक है, या 74 का कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा यदि हमें 74 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का 6 हासिल का 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 7 28 दुनी 56, और हासिल 1 57, हासिल 5। अब इसको हटा दो और 7 का स्क्वायर 49 और 5 54, कितना होगा, 54 76। यदि अब हम बात करते हैं कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो 3 डिजिट का स्क्वायर करने के कई तरीके होते हैं। पहले मैं बात करता हूं कि मुझे 3 डिजिट का स्क्वायर करना है। 3 डिजिट का स्क्वायर करने का मतलब, मैंने कहा कि मुझे 217 का स्क्वायर करना है तो कैसे करूँ, 217 का स्क्वायर करना है तो कैसे करूंगा। अगर मुझे कोई भी तरीका नहीं आता है और मुझे 217 का स्क्वायर करना है तो मुझे पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि 217 को मैं 200 प्लस 17 लिख सकता हूं, और 200 प्लस 17 का स्क्वायर करूंगा। इसका मतलब आप लोगों को यह चीज़ याद होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है, हाँ या ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है 2ab होता है। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दुनी 4, और 4 0 आ जाएंगी, हाँ या ना, कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। प्लस बी का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर 289, या एक स्टेप और लिख लो, ऐसे लिख लो, 200 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 200 गुणा 17। और यदि आप ऐसे करते हो तो ऐसे क्या है, आपको कॉपियां लेनी पड़ेंगी, A4 साइज कॉपी होती है जो पेपर में एग्जाम हॉल में बह लेनी पड़ेगी, और जो A4 कॉपी, जो हमारा सिलेक्शन होता है वह प्रोपोर्शनल होता है A4 कॉपी के, प्रोपोर्शनल वाइज, मतलब जितनी ज़्यादा आप A4 कॉपी लोगे उतना ही आपका सिलेक्शन क्या होगा, कम होगा, 1/प्रोपोर्शनल होता है A4 कॉपी के सिलेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है। फिर मैं कैसे क्वेश्चन करना है उस तरीके को बता दूं। मैंने कहा 2 नंबर का स्क्वायर मैंने करना आपको सिखा दिया। यदि 3 नंबर दिए हों, यदि हमें कितने नंबर दिए हों, 3 नंबर दिए हों, 3 नंबर दिए हों, और 3 नंबर कैसे दिए हों, मैंने कहा यदि उसने दिया है 215 का स्क्वायर करना है, हमें कितने का स्क्वायर करना है, 215 का स्क्वायर करना है। तो पहले वाले में मैंने कहा यदि यह 2 नंबर हैं तो कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, और फिर इसका स्क्वायर, और इसमें करना है इसका स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, और लास्ट और एंड वाले का स्क्वायर, लास्ट और एंड वाले का मल्टीप्लाई और बीच वाले का स्क्वायर। देखो, समझना थोड़ा टफ होगा और थोड़ा काम करोगे तो सिंपल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। मैंने कहा पहले मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 5 का, कितना हो जाता है, 25।
25 की 5 और हासिल कितना रख दिया मैंने 2, हासिल कितना रख दिया 2 रख दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 एकन 5 दुनी 10 और 2 12 की 2 हो गई और हासिल का कितना रख दिया 1 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ तक काम हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 दुनी 10 मल्टीप्लाई करके डबल करूँगा 10 दुनी 20 और 1 का स्क्वायर 1 21 की 1 और हासिल का कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, हासिल का 2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 एकम 2 और 2 का डबल 4 और 1 हासिल वाला 5 और इस 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 45 112। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका इन स्क्वायर का करना है कि हमें क्या है 1 से 25 तक स्क्वायर याद होना जरूरी है और हम उसमें 20 मानना स्टार्ट कर देते हैं। क्या मानना स्टार्ट कर देते हैं 20 मानना स्टार्ट कर देते हैं। 20 क्या माने, तो पहली बात तो 20 आप 100 मान सकते हो, 150 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 250 20 मान सकते हो, 300 मान सकते हो और 350 मान सकते हो, 400 भी मान सकते हो और ऐसे 20 मानते हुए हम क्या है चले जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे पहला स्क्वायर ज्ञात करना है 114 का। यदि मुझे 114 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसमें 20 मानने का मतलब कि यह नंबर है वह किसके अप्रोक्स में है, किसके समथिंग, किसके नज़दीक है यह नंबर। यह नंबर 114 है भाई, इनमें से किसके समथिंग है। आपने कहा 100 की, तो मैंने क्या मान लिया 20 100, और मैं इसे देखूंगा कि यह 100 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो 14 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 14, तो एक बार तो मैं 14 को ऐड कर दूंगा और एक बार क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा, एक बार 14 इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 128 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 14 घटाकर यानी 100 और इसको डिवाइड हमेशा 100 से करना है और इस 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने कहा 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है, तो आपने कहा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस 196 का इस एक को आगे हासिल में ऐड कर देते हैं और इसको सीधा ऐसा का ऐसा 96 सीधा का ऐसा और इस एक को 8 में ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और एक इसका स्क्वायर होता है 12996। देखो दूसरा नंबर, मैंने कहा यदि मुझे 345 का स्क्वायर, 345 का नहीं, मैंने कहा यदि मुझे 123 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मैं देखूंगा कि यह 125 यह किसके समथिंग है, तो आपने कहा 100 के ज़्यादा समथिंग है, तो एक बार कितना 100 से 23 ज़्यादा है, तो एक बार 23 प्लस कर दूंगा, एक बार 23 क्या कर दूंगा माइनस, और एक बार प्लस करूंगा तो यह 146 हो जाएगा, माइनस करूंगा 100 हो जाएगा, डिवाइड हमेशा 100 से करना है और इस 23 का स्क्वायर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 529 हो गया, तो 29 को 100 से 100 कैंसिल हो गया, 29 को मैं ऐसा का ऐसा लिखूंगा, इस 5 को आगे ऐड करूंगा, 5 और 6 11 का 1, हासिल का 1, तो यह 4 और 1 5 और 1। देखो दोबारा समझो, मैंने कहा कि मुझे 221 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आपने कहा साहब यह 200 की समथिंग है, तो मैं सीधा लिखूंगा 200 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो आपने कहा 21 ज़्यादा है, तो एक बार 21 प्लस में, एक बार 21 माइनस में, ठीक है, और 21 इसमें प्लस करूँगा तो यह हो जाएगा 242, माइनस करूँगा तो 200 हो जाएगा और 21 का स्क्वायर कितना होता है बताना, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 को कैसे लिखना है, इनके बीच में क्या करना है, डिवाइड हमेशा 100 से 20 से 20, इस 41 को मैं ऐसे ही लिखूंगा और इस 4 को इसमें आगे ऐड करूंगा, तो 2 दुनी 4 और 4 8, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई, हासिल कोई नहीं आया है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 8, फिर 2 का 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 4,
यानी इसका स्क्वायर होगा 48,841। नहीं आई बात समझ में? देखो, मैंने कहा कि मैं 529 का स्क्वायर करता हूँ, 512 का स्क्वायर करता हूँ, तो 512 में क्या देखूंगा, किसके नज़दीक है ये? तो आपने कहा ये 500 से 12 कम अधिक है, तो एक बार 12 प्लस एक बार 12 माइनस, 12 प्लस किया तो 524 आ गया और 12 माइनस किया तो 500 आ गया, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और इसमें डिवाइड हमेशा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। देखो ऐड करने का तरीका क्या है, 24 44 ऐसा का ऐसा, और मुझे पता है 5 का इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड करना है, तो उस चीज़ को मैं पहले ही कर लूँगा। ठीक है, 5 चौक 20 और 1 21 की 1, हासिल का 2, 5 दुनी 10 और 2 12 की 2, हासिल का 1 5 25 और 1 26, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 26 21 44, 26 21 क्या होगा 44 होगा। ठीक है, ऐसे आप तीन डिजिट का, किसी भी तीन डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप इसको आज इसे इंजॉय कीजिए। और एक आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या है कि 34 ब्रांच पर अपना न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, और वह बैच कल से ही यानी 2 जनवरी 2023 से यानी नई साल से स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच में स्टार्ट होगा वह बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक मतलब नंबर सिस्टम से बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच कैसे स्टार्ट होने वाला है, नंबर सिस्टम से स्टार्ट होना है, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक रहेगा, जीरो से हीरो बैच रहेगा, हीरो से हीरो नहीं, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो लेवल बैच रहेगा, यानी बेसिक टू एडवांस एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। भले ही आपका गणित कितना भी वीक हो, इस बैच में आकर हम उसे मजबूत कर देंगे, इंटरेस्ट पैदा कर देंगे आपके आपको गणित के प्रति, तो अपने आप चीज़ें क्या है सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, तो बाय बाय, आप इंजॉय करें और हो सके तो बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।